She's 5'5" with a little attitude. Hello guys, welcome back to my channel and hope you're doing well. आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ट्रेलर्स जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है. पहला 8 जीवितम द गोट लाइफ, जो एक पृथ्वीराज सुगमारन का एक न्यू मूवी है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पूरे केरला के लोग, क्योंकि ये एक वन ऑफ द फेमस नोवेल में से निकाला गया एक स्टोरी है ये. एंड ऊपर से ये एक ऐसा सर्वाइवल स्टोरी है कि यार ह्यूमन काइंड का एक्सट्रीम लेवल, लाइक इससे ज्यादा अगर उसको टॉर्चर करा जाएगा ना कि वो मर जाएगा, इतना ज्यादा सर्वाइवल स्ट्रगल टाइप का टॉर्चर टाइप एक स्टोरी है कि आई गेस तुम लोग अगर ये देखोगे ना कि तुम खुद नहीं सह पाओगे ये मूवी देखते हुए, इतना ज्यादा स्ट्रगल्ड वाली एक मूवी है. मैनुअल बॉयज से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्टोरी होने वाली है जो 31st of March में रिलीज होने वाली है. फाइनली ये मूवी रिलीज हो रही, इतने सालों का स्ट्रगल्स के बाद ये रिलीज होने वाली है. आप ये सोच रहे कि मूवी में क्या स्ट्रगल था मूवी बनाने में, ये मूवी ऑलमोस्ट कोरोना टाइम में शूटिंग हो रहा था एंड कोरोना के टाइम के कारण से इस मूवी को 1 साल तक इसको बंद करना पड़ा. एंड इस मूवी में एड करने के लिए पृथ्वीराज ने ऑलमोस्ट 98 किलो से 67 किलो करना पड़ा, ऑलमोस्ट 31 किलो कम करा. एंड इतना ज्यादा टॉर्चर अपने बॉडी को दिया इतना कि इस बंदे ने ये बोला कि फाइनली कि इसके बाद से मैं ऐसी मूवीज कभी नहीं ले सकता, क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर अपने बॉडी को मैं कभी नहीं दे सकता. दूसरा जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो मैदान, एक रियल ट्रू स्टोरी अजय देवगन का, एक ऐसा एक मूवी जो हमारे इंडियन फुटबॉल न्यू एरा के बारे में बात कराया जा रहा है. एक ऐसा एक इंसान जो इंडिया को एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाना चाहता था, एक ऐसा एक पहचान देना चाहता था इंडिया को कि पूरे दुनिया भी जाने कि हाँ एक इंडिया नाम का एक कंट्री भी एग्जिस्ट करता है. ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं कितना ज्यादा पैट्रियोटिज्म है, कितना ज्यादा स्ट्रगल्स है, कितना ज्यादा पेन था. एंड इतना ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद ही इंडियन फुटबॉल अभी तक यहाँ तक पहुंचा है. तो मूवी रिलीज होने वाली इस ईद में, दैट इज अप्रैल 9 के बाद ही मूवी रिलीज होने वाली है. आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, 8 जीवितम या मैदान? कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.